और ऐसा नहीं बढ़ाया गया है कि कोई विकास के रूप में बढ़ाया गया, बल्कि जनता को लूटने के उद्देश्य से बढ़ाया गया है। ये संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ है, नियम के विरुद्ध है, और विशेष तौर पे वो सरकार बढ़ा रही है जिसने पूरे देश में प्रधानमंत्री के पद के दावेदार और वर्तमान के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता से वादा किया था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, और महंगाई अगर बढ़ रही है तो उसे हम कम करेंगे। अब कम करने की तो बात छोड़ो, उनको स्थिर भी रखने की इनकी स्थिति नहीं है। ये झूठी बातें आज जनता के सामने हैं, जनता को झूठ बोल के ठगा गया है, उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने आज यहाँ पुतला दहन किया है। और आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश में भी घोटाला हुआ है, विशेष तौर पर व्यापम घोटाला, आप बताओ उन बच्चों का क्या दोष है जिन्हें सरकार आज जेल में डाल रही है, और जिन्होंने पैसा खाया है, जिसने इसका ताना बाना बुना है, वो आज भी गिरफ्त के बाहर है। हमने कांग्रेस पार्टी उनको मांग करती है कि आप ऐसे बच्चों को और उनके परिवारजनों को सरकारी गवाह बनाए जो इसके शिकार हुए हैं, ताकि मुख्य आरोपियों को सजा मिल सके। ऐसा ना हो कि जिनको आरोपी बनाया जा रहा है वो अपने बचाव में अदालत में बयान पलट लें और मुख्य आरोपी बच जाए, ये सरकार की मंशा सामने उजागर दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी बात जनता तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाह रही है।